सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हाय गाइस, टिप्स सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्यूब वेल इरीगेशन के बारे में ट्यूबवेल इरीगेशन है जिसको हम वेल हाइड्रोलिक्स भी कहते हैं सो लेट स्टार्ट द वीडियो तो हमारे पास टॉपिक जो है ट्यूबवेल इरिगेशन है जिसको हम वेल हाइड्रोलिक्स भी कहते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहला पॉइंट इसमें ओपन वेल्स एंड ट्यूब वेल्स आर वेरी पॉपुलर मीनस ऑफ इरीशन इन डिफरेंट पार्टस ऑफ द कंट्री अगर स्पेशली हम इंडिया की बात करेंगे यहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इरगेशन जो होती है वो ओपन वेल और ट्यूबवेल से ही होती है लार्ज परसेंटेज ऑफ रेन वाटर गेट्स इनफिल्ट्रेटेड इन टू द ग्राउंड एंड डेट वाटर इज नोन एज ग्राउंड वाटर ये हमने पीछे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाले टॉपिक में डिस्कस कर लिया था कि जब प्रेसिपिटेशन अर्थ पे आती है तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है इन्फिल्ट्रेट हो जाता है और वो वो फिर परकुलेट होकर ग्राउंड वाटर को ज्वाइन करता है डेट वाटर इज नोन है उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट इसमें मैं मैं है कि एफिशिएंसी ऑफ सरफेस इरिगेशन अगर हम सरफेस इरिगेशन की बात करेंगे इसकी एफिशिएंसी क्या है 15 से लेकर 20 परसेंट सर्फेस इरीगेशन हमारे पास आ जाता है कैनाल इरीगेशन है जो भी हम इससे इरीगेशन है। करते हैं उसमें जो उसकी एफिशियंसी है फिफ्टीन से लेकर ट्वेंटी तक और हमारे पास जो एफिशेंसी है ग्राउंड वाटर इरीगेशन की जैसे हमारे पास वेल इरीगेशन होगी ट्यूब वेल इरीगेशन होगी ओपन वेल इरीगेशन होगी तो उसकी एफिशियंसी कितनी है एट्टी से लेकर नाइन्टी तक तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सो ग्राउंड वाटर के हमारे जनरली दो जोन होते हैं जोन ऑफ एरिएशन और जोन ऑफ सेचुरेशन तो वन बाई वन हम दोनों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं फर्स्ट हम देखते हैं जोन ऑफ एरिएशन क्या होता है जोन ऑफ एरिएशन एक ऐसा जोन होता है जो किस किस के बीच में लाइक करते हैं इट जनरली लाइज बिटवीन ग्राउंड सरफेस एंड वाटर टेबल तो ये ग्राउंड सरफेस और वाटर टेबल के बीच में लाइक करता है इस केस में जो साइड होती है वो अनसेचुरटेड होती है एंड तो इट में कंटेन बोथ एयर एंड वाटर तो इसमें जो होती है एयर भी प्रेजेंट होती है और वाटर भी प्रेजेंट होती है वाटर इज हेल्ड बाई मालिकुलर अट्रक्शन एंड कैपिलरी फोर्स इसमें जो वाटर होता है वो मालिकुलर अट्रक्शन और कैपिलरी फोर्सेज से हेल्ड हो, होता है, है कि वाटर इन दिस जोन इज ऑल्सो वाटर इज फर्दर क्लासीफाइड अब जोन ऑफ एरिए जो फर्दर तीन कैटेगरीज में क्लासीफाइड है सॉइल वाटर जोन इंटरमीडिएट जोन और कैपलरी जोन अब सॉइल वाटर जोन में क्या होता है कि इसमें इट कंटेन्सॉइल वाटर इंटरमीडिएट जोन में क्या होता है इट कंटेंस पेलिकुलर एंड ग्रेविटेशनल वाटर एंड कैपिलरी जोन में क्या होता है इट कंटेंस कैपिलरी वाटर तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थिकनेस ऑफ दिस जोन जनरली वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस तो जो हमारे पास जोन ऑफ एरिएशन है इसकी जो थिकनेस है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है सो नेक्स्ट हमारे पास जाता है जोन ऑफ सचुरेशन अब जोन ऑफ सचुरेशन क्या होता है इट जनरली लाइज बिलो वाटर टेबल और जोन ऑफ एरिएशन तो ये वाटर टेबल से नीचे लाई करता है या जोन ऑफ एरेशन से नीचे लाई करता है इट इज़ आल्सो नोन एज ग्राउंड वाटर जोन इसको हम ग्राउंड वाटर जोन भी कहते हैं फिर इनफिल्ट्रेटेड रेन वाटर एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज डेट इज रिवर्स स्ट्रीम्स एटसेट्रा जॉइन दिस वाटर तो जो भी रेन वाटर इनफिल्ट्रेट हो जाता है या फिर अदर सोर्सेज से पानी इनफिल्ट्रेट होकर जैसे रिवर्स स्ट्रीम्स वगैरह से इनफिल्ट्रेट होकर वो पानी जो है इस जोन को ज्वाइन करता है और तो जो वाटर इस जोन में आता है उसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर तो बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है अक्रंस ऑफ ग्राउंड वाटर तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है पोरासिटी पोरास्टी तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ वाइड टोटल वॉल्यूम तो यहाँ पे हम इसको डेफिनेशन इसमें हमें इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे तो इसमें हम देखते हैं इट मे बी लेस देन वन परसेंट और मोर देन फिफ्टी परसेंट बट इट शुड नॉट एक्सीड फोर्टी परसेंट तो पोरासिटी ऑफ साइल हम यहाँ पे स्पेशली सॉइल की बात कर रहे हैं क्योंकि पानी जो है इनफिल्ट्रेट कहां से होता है मिट्टी से ही होता है और ग्राउंड वाटर को ज्वाइन करता है तो यहाँ पे हम स्पेशली सॉइल की बात करते हैं तो पोस्टी ऑफ साइल जो है वन परसेंट भी हो सकती है लेस देन वन परसेंट भी हो सकती है या ग्रेटर देन फिफ्टी परसेंट भी होती है लेकिन इन जनरल केस में अगर हम देखेंगे इट शुड नॉट एक्सीड फर्टी परसेंट से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए अगर हमारे पास पुरॉसिटी जो है जनरली ग्रेटर देन ट्वेंटी परसेंट होगी तो तब तो पुरॉसिटी को हम लार्ज पोरासिटी कहते हैं इट इट मीस इट इज कंसिडर्ड एज लार्ज अगर पोरासिटी लेस देन फाइव परसेंट होगा इट इज कसिडर्ड एज स्मॉल अगर पोरासिटी जो है फाइव से लेकर ट्वेंटी परसेंट के बीच में है इट इज कॉन्सिडर्ड एज मीडियम तो ये इंपॉर्टेंट है एक्सामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं परमियबिलिटी एंड ट्रांसमिशेबिलीट ये इंपॉर्टेंट है दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो परमिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ मटीरियल टू ट्रांसमिट और टू पास वाटर थ्रो इट सेल्फ कंसिडरिंग फुल विद एंड डेप्थ और एरिया ऑफ मटीरियल ये इंपॉर्टेंट है आप देखो इसमें कहने का मतलब क्या है मटीरियल की एबिलिटी टू पास वाटर थ्रो इट डेट इज नॉन एज परमिबिलिटी इसमें करते हैं कि फुल विद और फुल डेप्थ कंसिडर करते हैं या एरिया ऑफ मटीरियल और ट्रांसमिबिलिटी क्या होता है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ मटीरियल टू पास वाटर थ्रो इट ये भी सेम है लेकिन इसमें क्या करते हैं यूनिट डेप्थ और यूनिट विड्थ डेप्थ एंड विड्थ लेते हैं या फिर यूनिट एरिया लेते हैं तो दोनों में डिफरेंस ये है लेटेड विथ सपोर्ट ऑफ साइल अब इसकी लेंथ लेटेड भी टू मीटर है और यह जो है वन मीटर है अगर यहां से हम एरिया देखेंगे तो टू मीटर स्क्वायर आएगा तो जब हम इसमें इसमें से पानी पास करवाएंगे तो जो पानी इससे पास होगा तो डेट विल बी परमिबिलिटी क्योंकि हम सारा एरिया कंसिडर कर रहे हैं तो वो परमिबिलिटी कंसिडर की जाएगी तो लेकिन ट्रांसमिसबिलिटी में ऐसा नहीं होता में हम करते हैं कि यूनिट विद्थ और यूनिट या यूनिट एरिया लेके उसमें से वो कितना पानी पास होगा डेट इज नोन एज ट्रांसफिसबिलिटी सो नेक्स्ट इसमें जाता है जोन्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर अब अंडरग्राउंड वाटर के हमारे पास जनरली दो है. एक है जोन ऑफ रॉक फ्लोवेज और दूसरा है जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर तो वन बाई वन हम दोनों को डिस्कस करते हैं फर्स्ट इसमें जाता है जोन ऑफ रॉक फ्लोवेज इट्स डेप्थ इज अनोन इसकी डेप्थ जो हमारे पास है अनन है स्ट्रेसेस आर बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट और इस जोन में जो हमारे पास स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं वो इलास्टिक लिमिट से भी बियॉन्ड है वाटर प्रेजेंट इन दिस जोन इज नोन एज इंटरनल वाटर इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भी वाटर इस जोन में प्रेजेंट होगा जोन ऑफ रॉक फ्लोवेज में उसको हम इंटरनल वाटर कहते हैं सो so, नेक्स्ट इसमें जाता है जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर अब जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर क्या होता है कि इट लाइज एबो द जोन ऑफ रॉक फ्लोवेज जो जोन ऑफ रॉक फ्लोवेज है ये जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर जो है इसके एबोलाई करता है इन दिस जोन वाटर इज स्टोर्ड इन द दॉल इसमें जो uh, हो वाटर होता है वो साइल में स्टोर्ड होता है द मैक्सिमम डेप्थ वेरीज फ्राम इस जोन की जो मैक्सिमम डेप्थ होगी वो कहां से लेकर कहां तक वेरी करती है मीटर से लेकर वन थाउजेंड मीटर तक या उससे भी ज्यादा इन क्रिस्टलीन रॉक्स वाटर इज अवेलेबल विद इन वन हंड्रेड मीटर फ्राम ग्राउंड लेवल और सेडिमेंट्री रॉक से केस में अगर हम देखेंगे हमारे पास जो वाटर अवेलेबल होता है वो कहां तक होता है टू थाउजेंड मीटर मीटर में या उससे भी ज़्यादा so, जाता वेल्स क्या होते हैं इट अ होल आर अटली एक्सपेक्टेड वर्टिकली इन द अर्थ फॉर ब्रिंगिंग द वाटर ग्राउंड वाटर टू द सर्फेस तो जो भी हम होल या शॉफ्ट वर्टिकली एक्सवेट करते हैं अर्थ में ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसको बाहर निकाला जाए फिर उस ग्राउंड वाटर को हम वेरियस पर्पज के लिए यूज करते हैं तो डेट well. होल इज नोन एज वेल अब डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ होल द होल्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू टू कैटेगरीज अब होल्स के हिसाब से जो हम होल ड्रिल करते हैं अर्थ में उसके साइज के हिसाब से वेल्स को जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है ओपन वेल या जिनको हम डग वेल्स भी कहते हैं और दूसरा है हमारे पास ट्यूब वेल्स ओपन तो वेल्स का जो डिस्चार्ज है वो टू तो से लेकर टेन हेक्टेयर तक वैरी करते हैं और हमारे जो ट्यूब वेल्स है इनका डिस्चार्ज जो है फोर से लेकर ट्वेंटी तो हेक्टेयर है तक वैरी करते हैं जो डेप्थ है वेल्स की वो जनरली थ्री से लेकर फाइव मीटर तक वैरी करती है और ये जो है अप टू तो फिफ्टीन मीटर तक भी जा सकती है तो अगर हम देखेंगे करेंटली जो है सबसे ज्यादा वेल्स जो है अभी यूपी में है उत्तर प्रदेश में आई थिंक यूपी में अभी करेंटली मोर देन फिफ्टी लैक्स वेल्स जो है आ, अभी यूपी में है और इंडिया में अगर हम देखेंगे ओवरऑल जो है अभी एटलीस्ट वन करोड़ ओपन वेल्स जो है ऑल ओवर पार्ट ऑफ द इंडिया एक्स्ट नंबर पर जाता है ट्यूब वेल्स अब ट्यूब ट्यूबवेल्स मतलब क्या होता है कि लॉन्ग पाइप संक इन टू द ग्राउंड टू ब्रिंग औोट ग्राउंड वाटर तो जब भी हम क्या करते हैं एक लॉन्ग पाइप को एक uh, मतलब पाइप को संक करते हैं ग्राउंड में ताकि हम ग्राउंड वाटर को बाहर निकाल सकें डैट वाटर कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पजेज एज फॉर इरीगेशन एट्सेट्रा इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन तो डेट इज नोन एज ट्यूबवेल तो डायमीटर ऑफ ट्यूबवेल जो है जनरली कहां से लेकर कहां तक वेरी करता है एट mm से लेकर 600 mm तक और सिंपली वी कैन सी डेट 8 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक जो डेफ्थ ऑफ वाटर जो है मस्ट बी विद इन 15 से लेकर 50 मीटर तक हमारे पास जो भी जब भी हम ट्यूबवेल ड्रिल करेंगे तो हमारे पास जो डेफ्थ ऑफ वाटर होने चाहिए वो फिफ्ट से लेकर 50 मीटर के बीच में होने चाहिए अगर इससे ज्यादा होगी तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है वो इंक्रीज हो सकती है फर्स्ट ट्यूबवेल वाज संक इन यूपी अगर इंडिया में देखेंगे पहला जो ट्यूबवेल है वो यूपी में सब किया गया था 1930 में क्वनटली इंडिया हैव मोर देन 50 लैक्स ट्यूबवेल्स इन डिफरेंट पार्ट्स बट यूपी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स अगर हम देखेंगे इंडिया में अभी क्वेंटली जो है मोर देन 50 लैक्स ट्यूबवेल्स हैं और उसमें से यूपी में सबसे ज्यादा है तो लाइफ स्पेन जो है ट्यूबवेल का जनरली फिफ्टीन से लेकर ट्वेंटी ईयर्स तक है ये इनका एक डिसएडवान्टेज है कि फिफ्टीन से लेकर ट्वेंटी ईयर्स के बाद हमें इनके इनको क्या करना पड़ता है रिप्लेस करना पड़ता है या फिर इनको क्या करना पड़ता है डिस्ट्रॉय करके नए से जो है दूसरा लगाना पड़ता है तो ये था हमारे पास कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन अब वोट वेल्स एंड ट्यूब के बारे में नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि ट्यूब जनरली दो कैटेगरीज में क्लासीफाइड है शेलो ट्यूबवेल्स और डीप ट्यूबवेल्स तो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करते हैं जो शेलो ट्यूबवेल्स है इनकी डे अप टू थर्टी मीटर तक होती है और जो डिस्चार्ज है ट्वेंटी मीटर के ऊपर और होता है और जो ट्यूब डीप ट्यूबवेल्स है इनकी मैक्सिमम डैप जो है कहां तक हो सकती है सिक्स हंड्रेड मीटर तक और इनका इनका डिस्चार्ज जो है एट हंड्रेड मीटर के ऊपर और होता है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है हमारे पास कुछ फर्दर तीन और टाइप्स के ट्यूबवेल्स हैं जो ज्यादातर इंडिया में यूज किए जाते हैं स्टैंडर्ड टाइप ट्यूबवेल के टाइप ट्यूबवेल और स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल सो so, वन बाय वन हम सबको डिस्कस करते हैं सो फर्स्ट इसमें जाता है स्टैंडर्ड टाइप ट्यूबवेल अब स्टैंडर्ड टाइप ट्यूबवेल क्या है इट्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूबवेल वेल यूज इन इंडिया अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा ट्यूबवेल जो यूज किया जाता है इंडिया में वो हमारे पास है स्टैंडर्ड टाइप ट्यूब सो इसमें क्या किया जाता है एक स्ट्रनर जिसको हम सिंपली वायर मैक्स भी कह सकते हैं इज रैप्ड राउंड द मेन ट्यूब ऑफ वेल मतलब जो एक स्ट्रेनर या वायर मैश को जो मेन ट्यूब है वेल की उसके अराउंड जो है रैप किया जाता है पानी जो है वो उसी स्ट्रेनर के थ्रू जो है वेल में एंटर होता है सो so इसमें जो साइज ऑफ मैश होता है जो वायर मैश हम अराउंड ट्यूब वेल के अराउंड रैप करते हैं उसका साइज कहाँ से लेकर कहां तक वेरी करता है डी से लेकर डी सेवेंटी ऑफ सराउंडल जो मटेरियल यूज करते हैं हम स्ट्रैनर्स बनाने के लिए हमारे पास है जिंक फ्री ब्रास है स्टेनलेस स्टील है लो कार्बन स्टील है या हाई कॉपर एलाइज इन इन मटेरियल्स को यूज करके हम के बना सकते हैं जो वायर मैश या स्ट्रैनर जिसको हम कह सकते हैं इनको बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं अब उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो है अलग अलग टाइप्स की होती है तो वन बाय वन हम सबको यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट इसमें जाती है फर्स्ट टाइप ऑफ जो हमारे पास है कुक स्ट्रैनर कुक स्ट्रेनर जो है जनरली इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन यूएसए इट इज मेड अप ऑफ सॉलिड ड्रॉन ब्रास ट्यूब की बनी हुई होती है स्लॉटेड वे शेप्ड हॉरिजॉन्टल स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन इट तो इसमें ये किसकी बनी हुई होती है सॉलिड ड्रॉन ब्रास ट्यूब की बनी हुई होती है स्लॉटेड वे शेप्ड हॉरिजॉन्टल स्लॉट्स इसमें प्रोवाइड किए गए होते हैं स्लॉट्स आर वाइडर इन साइड एंड वाइस वर्सा ये जो स्लॉट्स होते हैं अंदर से वाइड wide, वाइडर होते हैं और बाहर से क्या होते हैं नैरो होते हैं गॉज ऑफ स्लॉट्स जो है कहां से लेकर कहां तक वैरी करता है जीरो पॉइंट वन फाइव एम एम से लेकर जीरो पॉइंट फोर एम एम तक वैरी करता है नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेनर जिसमें यूज किया जाता है हमारे पास आता है तेज स्ट्रेनर इट इज मच सिमिलर टू कुक स्ट्रेनर बट इट इज मेड इन इंडिया तो ये सेम वैसा ही होता है जैसा हमारे पास कुक स्ट्रेनर होता है सिर्फ इसमें इतना फर्क है कि ये मैन्युफैक्चर्ड इन यूएसए और ये मेड इन इंडिया है इट इज ऑल्सो ब्रास ट्यूब ये भी ब्रास ट्यूब का ही बना हुआ होता है इसमें जो डायमीटर होता है वो कहां तक होता है सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तक होता है और इसकी लेंथ जो होती है टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तक होती है उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेनर जो यूज किया जाता है हमारे पास है ब्रॉन लाइन स्ट्रेनर तो ब्रॉन लाइन स्ट्रेनर ये किसका बना हुआ होता है इट इज मेड अप ऑफ पॉलीगोनल कन्वर्लेटेड स्टील हैविंग परफोरेशन स्ट्रॉन्डेड विद वायर मैश इसमें क्या होती है परफरेशन होती है और इसको इसके बाहर से जो है एक वायर मैश प्रोवाइड की जाती है ये ये वायर मैश किसकी बनी हुई होती है इट इज मेड अप ऑफ हैवी कॉपर वायर्स वोवन विद कॉपर रिबनस तो ये जो है हमारे पास वायर मैश किसकी बनी हुई होती हैवी कॉपर वायर्स की बनी हुई होती है वोवन विद कॉपर रिबनस उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है एशफोर्ड स्ट्रेनर अब एशफोर्ड स्ट्रेनर किसका बना हुआ होता है इट इज मेड अप परफोरेटेड ट्यूब सराउंडेड विद वायर मैश ये परफोरेटेड ट्यूब का बना हुआ होता है जिसके बाहर से क्या होती है एक वायर मैश होती है इट कैन बी प्रोटेक्टेड एंड स्ट्रेंथन बाई वायर नेट एबो इट तो अगर हम इनको जो है एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बाई प्रोवाइडिंग वायर नेट एबो इट उसके ऊपर से एक वायर नेट प्रोवाइड कर देते हैं इनको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ या प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज़ वेरी डेलीकेट एंड शुड बी हैंडल्ड केयरफुली केयरफुल सच टाइप ऑफ स्ट्रेनर्स जो है वो बहुत ही डेलीकेट होते हैं हमें कह करना पड़ता है केयरफुली हैंडल करना पड़ता है सो so, नेक्स्ट हमारे पास जाता है लिजट स्ट्रेनर अब लिजट स्ट्रेनर के होते हैं कि एन एक्सपेंसिव टाइप ऑफ स्ट्रेनर इनमें क्या होता है कि क्लिनिंग डिवाइस प्रोवाइड की जाती है इन द ट्यूब विच इज इन द फॉर्म ऑफ कटर्स जो वो क्लीनिंग डिवाइस होती है वो किसकी फॉर्म में होती है कटर्स की फॉर्म में होती है सो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो इसमें हम यूज करते हैं हमारे पास है फोनेक्स ट्रेनर फोनेक्स ट्रेनर जनरली मेड माइल स्टील की बनी हुई होती है ओपनिंग स्लिट्स जो ओपनिंग इनमें होती है इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन स्ट्रेनर को कुरेजन से बचाने के लिए कोटिंग प्रोवाइड की जाती है कॉडमिम की सो लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रेनर जो हम यूज करते हैं इसमें आता है हमारे पास लैंडिंग एंड बाउलर स्ट्रेनर तो इट इज इट इज अस्ट टाइप ऑफ ट्रेनर मैन्युफैक्चर्ड इन अमेरिका ये भी अमेरिका में ही बनाया जाता है इट्स इट कंसिस्ट ऑफ आर्फोरेटेड स्टील और रॉट आयरन पाइप ये परफोरेटेड स्टील या रॉट आयरन आयरन पाइप का बना हुआ होता है इसके ऊपर क्या किया जाता है एक वे शेप्ड स्टील वायर को वॉन्ड किया जाता है अवर दिस ट्यूब एट सुटेबल पिच अब वो एक पिच जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रखी जाती है स्क्रेवड कॉलर आर मेड इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन स्क्रूड कॉलर टाइप जेट जो है इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं तो ये थी हमारे पास कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेनर जो हम सॉर्टेड टाइप ट्यूबवेल में यूज करते हैं आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा सो so, फर्स्ट हमने डिस्कस किया स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल तो इसमें नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं कैविटी ट्यूबवेल अब कैविटी ट्यूबवेल क्या होता है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ कैविटी पाइप इन टू द ग्राउंड एंड रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ ए स्ट्रॉग क्लेरियर ये कैविटी टाइप पाइप का बना हुआ होता है जो स्ट्रॉग जो किस पे रेस्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग क्ले लेयर पे रेस्ट करता है अब डिफरेंस अगर हम देखेंगे फ्लो पैटर्न का डिफरेंस अगर हम देखेंगे किस किस में स्टैंडर्ड टाइप ट्यूबवेल में और कैविटी ट्यूबवेल में स्टैंडर्ड टाइप ट्यूबवेल में जो फ्लो पैटर्न होता है वो रेडियल होता है और कैविटी ट्यूबेल कैविटी ट्यूब वेल में क्या होता है स्पेरिकल होता है ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सो एरिया फ्लो कैन बी इंक्रीज अगर हमने एरिया फ्लो इंक्रीज करना होगा तो वह हम कैसे कर सकते हैं स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल में हम एरिया फ्लो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बाई इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेनर पाइप जो स्ट्रेनर पाइप है उसकी लेंथ को इंक्रीज करके हम एरिया फ्लो इंक्रीज कर सकते हैं सो कविटी टाइप ऑफ ट्यूबवेल में हम एरिया फ्लो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बाई इन द साइज ऑफ कैटी तो यह है मेन डिफरेंस जो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए कि स्टैंडर टाइप ट्यूबवेल में फ्लो पैटर्न कैसा होता है रेडियल होता है और कैविटी uh, ट्यूबवेल में स्पायरिकल होता है और इनके फ्लो को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारे पास आता है स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल इट्स एन इंप्रूवमेंट आर स्टैंडर्ड टाइप ट्यूब वेल हम कह सकते हैं इट्स द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइप ट्यूब वैल जो स्टैंडर्ड टाइप ट्यूवेल है उसमें ही मॉडिफिकेशन की गई है इसमें क्या होता है कि स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द ट्यूबवेल पाइप एंड श्रॉडेड आउटसाइड साइड इन द सेंस का मतलब होता है कि जो होल्स हैं

पाइप uh, में जो मैन पाइप है वेल well पाइप है उसका साइज कहां से लेकर कहां तक वेरी करता है ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री एम और उनमें ट्वेल्व एम mm की स्पेसिंग हो सकती है श्रेडिंग इज डन एनुअली इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम श्रेडिंग करेंगे वो एनुअली की जाती है मतलब एनुअली उनको फिर रिमूव करके जो ग्लॉगिंग वगैरह हुई होगी उनमें जो डेबरीज वगैरह उसमें कलेक्ट हुई होगी उनको क्लीन करके नए से जो है किया जाता है तो ये थे हमारे पास तीन टाइप ऑफ ट्यूबवेल जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया स्टैंडर्ड टाइप ट्यूबवेल कैविटी ट्यूबवेल और स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल अब इसमें आ जाता है चॉइस ऑफ ट्यूबवेल की किस वक्त हम किस कंडीशन में हम कौन सा ट्यूबवेल प्रोवाइड कर सकते हैं फर्स्ट इसमें जाता है स्टैंडर्टाइप ट्यूब वेल अब स्टैंडर्ड टाइप ट्यूबवेल कब एप्लीकेबल है इट इज एप्लीकेबल व्हेन वाटर इज अवेलेबल एट लेस डेफ जब वाटर हमारे पास लेस डेफ पे अवेलेबल होगा एंड वेयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ टेपिंग फ्रॉम साइड्स और जहां पे हमारे पास क्या होगी कि साइड से वाटर के आने के चांसेस होंगे मतलब जैसे हम स्टैंडर्ड में, में हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड टाइप ट्यूबवेल में हम मैश प्रोवाइड करते हैं जब वहां साइड से पानी के आने के चांसेस होंगे तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं स्टैंडर्ड टाइप ट्यूबवेल का यूज कर सकते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जाता है कैविटी टाइप ट्यूबवेल इसको हम कहा यूज कर सकते हैं वेयर वाटर इज वेरी डीप एंड इट लाइज बिलो द हार्ड इंपरवियस लेयर एंड वाटर कैन बी टेकन फ्रॉम द बॉटम ओनली हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि इसको हम तब यूज करते हैं जब वाटर जो होगा बहुत ही डीप होगा और ये कहाँ लाई कर रहा होगा इट लाइज बिलो द हार्ड इंपरवियस लेयर और जहां से पानी को सिर्फ बॉटम से ही हम ले सकते हैं मतलब साइड से जो है पानी नहीं आ सकता सिर्फ बॉटम से ही पानी आ सकता है क्योंकि कैविटी टाइप ट्यूबवेल में जो है पानी सिर्फ बॉटम से ही मेन पाइप में एंटर होता है साइड से एंटर नहीं होता है तो ये दूसरी कंडीशन है इसकी अब तीसरा हमारे पास है स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल को हम कब यूज कर सकते हैं वैन बोथ द दबो मैंशन टाइप्स कैन नॉट बी यूजड तो जहां पे हम ये दोनों ट्यूबवेल नहीं यूज कर सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड टाइप ट्यूबवेल और कैविटी टाइप ट्यूबवेल वहां हम क्या कर सकते हैं स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल को यूज कर सकते हैं तो ये थी हमारे पास कुछ बे, आ, बेसिक और ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल्स फिर हमने कुछ वेरियस uh, जोनस के बारे में डिस्कस किया जो अंडरग्राउंड वाटर जोन की आपको वीडियो पसंद आई आएगी और आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए so, और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए so, so सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज बेल आइकन जरूर दबाए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और प्रीवियस वीडियो जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो पीडीएफ्स हैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं Thank you so much.